गुड मॉर्निंग। सो ये पॉजिटिव न्यूज़ है कनाडा एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए, जैसे हम जानते हैं, जब से कोविड की वेव स्टार्ट हुई थी पिछले लास्ट ईयर से, जिसे हम स्प्रिंग 2020 कहते हैं, अराउंड फेब मार्च, और लोग जा नहीं पा रहे थे, सो कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत पॉजिटिव स्टेप दिया था, राहत दी थी, खासकर स्टूडेंट्स को जो कि कैनेडा जाते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल्सो सेटलिंग डाउन देयर। और उस प्रोसेस में पोस्ट डी वर्क वीज़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और रूल तो यही होता है कि 8 महीने के ऊपर आप, जितने महीने की आपकी एजुकेशन, उतने महीने का आपका पोस्ट डी वर्क वीज़ा, और 2 साल के बाद पूरे 3 साल का मिल जाता है एक्स्ट्रा। अब ये जो, और इस दौरान इन्होंने राहत ये दी थी कि आप अगर किसी भी वजह से कनाडा नहीं आ पा रहे हैं और आप ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया या अपनी भी किसी भी कंट्री से कर रहे हैं, तो उस टेन्योर को भी हम मानेंगे टू इशू यू दैट वर्क परमिट। और उसकी जो डेडलाइन थी वो 31 दिसंबर 2021 थी पहले, कि इसके बाद वो चीज़ लागू नहीं होगी। और काफ़ी पिछले 7-8-20 दिन से काफ़ी लोग परेशान थे, खासकर बच्चे तो जैन इनटेक के थे, और बिकॉज ऑफ बायोमेट्रिक डिलेज, जो मैंने दूसरा वीडियो भी बनाया था कि उनको डेट ही नहीं मिल रही थी, और ये लग रहा था कि वीज़ा की प्रोसेस में लेट हो जाएगा, और उसकी वजह से वो जितना लेट जाएंगे उनका वो जो टाइम पीरियड है वो अब काउंट नहीं होगा। सो कैनेडा गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी राहत दे दी है, और ये जो पॉलिसी जो पहले 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म होने वाली थी, वो अब 31 अगस्त 2022 तक चलेगी, 31 अगस्त 2022। इसका मतलब कि अगर आप अपनी एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट कर देते हैं किसी भी कंट्री में, तो वो कैनेडियन के बराबर ही माना जाएगा एज फार एज PSW रूल इज़ कंसर्न्ड। एंड डेफिनेटली देखिए, वो जो बेसिक कंडीशन है, कभी कभार ना बच्चों को पता नहीं चलता है, तो क्विकली मैं बता दूं कि कनाडा में हर एक कॉलेज और हर एक कोर्स में आपको PSW नहीं मिलता है। सो मार्केट में अक्सर जब आपको कोई 4-5 लाख एनुअल फी का कोर्स दिखाता है, तो वो PSW एलिजिबल कोर्स नहीं होता। ऑफ कोर्स उन्होंने बोला है कि आप कनाडा में है ही नहीं, और आप कनाडा में ट्रैवल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ कोविड, एंड देन यू आर टेकिंग द ऑनलाइन कोर्स। और जैसा कि उन्होंने कहा ही है कि आप स्प्रिंग 2020 जो कि तब फेब में स्टार्ट हुआ था, से लेकर समर 2022, विच मीन्स मई जून 2022 तक उन्होंने ये आपको दे दिया है। और ऑफ कोर्स देखिए, ये सब तभी फायदेमंद है जब आपको इवेंचुअली स्टडी परमिट मिले। सो ध्यान से समझिएगा, देखिए ऐसा नहीं कि आपका स्टडी परमिट रिजेक्ट हो गया और फिर भी आपको PSW मिल जाएगा। सो जैसा कि मैंने कहा कि स्टडी परमिट अप्रूव होना तो एक बेसिक कंडीशन है, तो उसका केस स्टडी आप ये समझ लीजिए कि विद जैन इनटेक के बच्चे खासकर, जिनका वीज़ा प्रोसेस डिले हो रहा था और वो टेंशन में थे कि हम समय से पहुंच नहीं पाएंगे कनाडा, और अगर हमारा 1 साल का कोर्स है जिसकी वजह से हमें 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, या 9 महीने का एक कोर्स है, और अगर हम 3 महीने नहीं जा पाए तो शायद हम उस वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाएंगे। सो उनके लिए सबसे बड़ी राहत है। ऑफ कोर्स अब आपका फ़र्ज़ ये है कि आप अपने कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से संपर्क रखिए कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करते हैं और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या रिफंड पॉलिसीज हैं कॉलेज की। कुछ लोग, कुछ कॉलेजेस 100% रिफंड दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जितने महीने आपने ऑनलाइन स्टडी कर लिया हम उतने प्रोरेटा बेसिस पे उतनी फीस काटेंगे। सो वो अपने कॉलेज से आप फाइनलाइज करके देन यू कैन टेक द फाइनल एक्शन कि आप जनवरी इनटेक में ही गो अहेड करें ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करना, या आप डेफर करें नेक्स्ट इनटेक में, इन केस आपका वीज़ा रिजल्ट समय से नहीं आ रहा है। सो ये शॉर्ट समरी होगी उन सब के लिए। सो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। सो बहुत फ़ोन हमें आते रहे, और कनाडा में हम काफ़ी बच्चे भेजते हैं, तो उन सब के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि अब आप पेशेंटली बैठ सकते हैं। धन्यवाद।